हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ ए चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राउल्ट्स लॉ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ से पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं वेपर प्रेशर। इसके बारे में तो वेपर प्रेशर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि राउल्ट्स लॉ अगर हमें समझना है, देखो आज जो हम राउल्ट्स लॉ समझने वाले हैं वो है वॉलेटाइल कंपाउंड के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड। और कल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड एंड वॉलेटाइल कंपाउंड बोथ। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर होगा वो वॉलेटाइल कंपाउंड के बारे में होगा। ठीक है, पर राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले हमें वेपर प्रेशर क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का वेपर मतलब कुछ इवोपोरेशन होने वाला है। ठीक है ना, वेपर के कब बनती है, वाटर की वेपर कब बनेगी, जब वाटर को हम बॉइल करेंगे, वाटर बॉइल होगा, इवोपरेट होगा और वाटर वेपर हमें मिलेगी। तो वाटर वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें इवोपरेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड को बॉइल करने से वो क्या हो जाता है, बॉइल होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास कंपोनेंट वन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट से वन है। सॉल्यूशन के अंदर भी कंपोनेंट होंगे और सॉल्यूशन की सरफेस पे भी कंपोनेंट होने वाले हैं। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें पता होने चाहिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ये हो जाते हैं जो सरफेस पे होते हैं। ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल, मतलब कंपोनेंट। ठीक है ना, सरफेस कंपोनेंट है ये, सरफेस मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी होता क्या है, हमारे बुक में ऐसा बता दिया गया कि सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, इवोपोरेट होते हैं। सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इवोपोरेट होते हैं। क्यों सरफेस के मॉलिक्यूल इवोपोरेट होते हैं, हम उसके रीजन देने वाले हैं। उसमें हमारा फर्स्ट रीजन होगा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे लेसर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेसर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो सरफेस केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा ये जो मॉलिक्यूल है उसके सराउंडिंग में दूसरे उसके जैसे ही मॉलिक्यूल्स हो गए, उससे क्या करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच हुआ होगा। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल, ठीक है, पर ठीक है, तो ये क्या है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, लेसर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जबकि जो सरफेस पे होते हैं वो सिर्फ क्या, उसके सराउंडिंग में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, तो नीचे की और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपोनेंट वन होते हैं वही उसको क्या करने वाले हैं, अटैक करेंगे। मतलब कि वहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होते नहीं है, इस वजह से यहाँ से कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने नहीं वाला, इसी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इजीली इवोपोरेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, इजीली इवोपोरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जब भी वेपर इवोपोरेशन की बात आएगी, मतलब कि वेपर की बात आएगी, तब आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वही क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवोपोरेट। ओके, एक तो ये पॉइंट कि सरफेस के मॉलिक्यूल इवोपोरेट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कैसे हो सकती है, हमें यहाँ पे पता लगाना हो तो
देखो ये मॉलिक्यूल कंपोनेंट वन, ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर दिख रहा है कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन के अंदर है और ये सरफेस पे है। ये सरफेस पे क्यों है? इन सभी को पीछे छोड़ के ऊपर गए, इन सभी कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट जो है उन सभी को छोड़ के कहाँ पे गए? सरफेस पे गए ना, तो इनके क्या हो जाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? इवोपोएट होते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो इवोपोएट होते हैं। दूसरी एक चीज कि ये जो कंटेनर है वो क्या है? ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, ठीक है। देखो अभी तक हमने वेपर प्रेशर की बात नहीं की है। मैंने सिर्फ ये समझाया कि सिर्फ कौन से कंपोनेंट इवोपोएट होते हैं जब हम वेपर की बात करने वाले, तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इवोपोएट होते हैं। दूसरी एक चीज की जो हमने यहाँ पे बात की है वो ओपन कंटेनर के बारे में बात की है। ये ओपन कंटेनर होने की वजह से जो भी वेपर क्रिएट होती है, ठीक है, जो भी वेपर क्रिएट होती है वो क्या करती है? तो एस्केप कर जाती है। क्या कर जाती है? एस्केप कर जाती है। मतलब कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है, उसको क्लोज नहीं करके सिर्फ ओपन रखा है, तो जो भी वेपर बनेगी वो क्या हो जाएगी? एटमोस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कंटेनर में क्या हो जाता है? तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो, ठीक है, नहीं तो मॉलिक्यूल्स नंबर सीधा लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज हो गए? क्योंकि वेपर वापस कंडेंस ना होके क्या हो जाएगी? एटमोस्फियर में एस्केप कर जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गए? तो वेपर कैसे बनी? तो इस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और क्लोज कंटेंट नहीं है, तो जो वेपर बनी वो क्या हो जाती है? एस्केप हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे पता चलती है कि वेपर प्रेशर में जो वेपर बनती है वो सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी वजह से बनती है, और ओपन कंटेनर है, जब ओपन कंटेनर होगा तब हमें वेपर प्रेशर देखने को नहीं मिलता। क्या क्यों? क्योंकि वेपर जो होती है वो क्या कर जाती है? तो एस्केप कर जाती है, और हमारा जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाते हैं? तो एस्केप वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गए? वेपर के फॉर्म में एस्केप हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट दे दीजिए आप लोग। ओके, अब हम बात करें, ये तो बात हो गई किसके बारे में? ओपन कंटेनर के बारे में ये बात हो गई। किसके बारे में? तो ओपन कंटेनर के बारे में ये तो बात हो गई। अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में है? तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा? क्लोज कंटेनर में जो वेपर बनती है उस वेपर को एस्केप वो नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, मान लो हमारे पास एक ऐसा क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर, और इस क्लोज कंटेनर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट वन मैंने मान लिया, ठीक है, ये सरफेस पे भी है। अब क्या होगा? कंपोनेंट सरफेस पे जो ये कंपोनेंट वन है वो क्या हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? क्लोज कंटेनर होने की वजह से जो वेपर होती है, वेपर कैन नॉट एस्केप, वो क्या नहीं कर सकती? एस्केप नहीं कर सकती। मतलब
कि जो ये कंटेनर है उस कंटेनर में से बाहर नहीं निकल सकती, इस कंटेनर में से बाहर नहीं निकल सकती। तो क्या होता है कि यहाँ पे वेपर जो है वो क्या होती रहती है, इकट्ठी होती है, यहाँ पे वेपर क्या होने लगती है, जमा होने लगती है, और उस वेपर की वजह से यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन है कंपोनेंट वन का उसके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को मैंने मान लिया है पी नॉट वन, मैंने मान लिया है पी नॉट वन, मैंने इस प्रेशर को मान लिया है। और ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट वन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्लोज कंटेनर में कंपोनेंट वन है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये जो प्रेशर है वो क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट वन होता है। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट वन मतलब कि सॉल्यूशन में दूसरा कोई भी कंपोनेंट अभी प्रेशर नहीं है, तो उस वजह से जो इस कंटेनर में हमें प्रेशर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट वन से मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्योर कंपोनेंट वन, मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हमें अगर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी होती है तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन, प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस, प्रेशर अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वेपर की वजह से उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वेपर प्रेशर हम बोलते हैं, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये हो जाती है आपकी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है किसी भी क्लोज कंटेनर में। एक और चीज आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि क्लोज कंटेनर होगा तभी हमें वेपर प्रेशर मिलेगा। तो जो राउल्ट्स के दोनों लॉ है, मतलब कि राउल्ट्स के वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इन वोलेटाइल कंपाउंड एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड वाला जो मैंने बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर में ही होता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्लोज कंटेनर में ही दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ तक चलो स्क्रीनशॉट दे दीजिए आप लोग। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन वैसे कुछ नहीं जाती क्योंकि मैंने बता दी है। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर जो मेनली डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ ए सब्सटेंस के बारे में, मतलब कि जो कंपोनेंट वन मैंने बताया था ना उसके ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। और सब्सटेंस में भी मेनली दो तरीके के सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। एक होता है वॉलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल। जो नॉन वॉलेटाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, टेंडेंसी तो वॉलेटाइल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेपर बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। वॉलेटाइल्स जो होते हैं वो बहुत ही इजीली वेपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, पर ये जो होते हैं नॉन वॉलेटाइल जो होते हैं उनके पास टेंडेंसी नहीं होती, नॉट हैव अ टेंडेंसी टू इवोपरेट, ठीक है।
इसी तरीके से इवोपोरेट नहीं हो सकते, जबकि ये वॉलेटाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इजीली क्या होते हैं, इवोपोरेट हो सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से ये इवोपोरेट हो सकते हैं। ये इवोपोरेट बहुत ही इजीली हो सकते हैं, इसलिए इस वजह से ये कुछ ना कुछ प्रेशर करा क्या करने वाले हैं, तो क्रिएट करेंगे। इवोपोरेट ये इजीली तरीके से होते हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब कि मान लो कि ये बीकर है, इस बीकर में यहाँ पर हमारे पास वॉलेटाइल कंपाउंड है, मैंने ऐसा मान लिया, तो ये क्लोज है, ये क्लोज बीकर है, तो ये वॉलेटाइल होने की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे वेपर बनेगा और उसकी वजह से वेपर प्रेशर हमें मिलने वाला है। तो अगर सिर्फ कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वॉलेटाइल कंपाउंड हो, तभी भी हमारे पास जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, P01 से मैं इसको बताता हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है चलो सिर्फ प्रेशर दिखा, इस तरह P0 से दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल कंपाउंड होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो हमें यहाँ पे मिलेगा। और इसकी बात करूँ तो ये जो होते हैं नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इवोपोरेट नहीं होते। तो अगर ऐसा बीकर मैंने ले लिया, ये दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड, तो ये क्या होगा कि वेपर में क्रिएट ही नहीं होगी, मतलब कि इवोपोरेट होने ही नहीं वाले, तो वेपर प्रेशर भी हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे पी नॉट नॉन वॉलेट सिर्फ और सिर्फ बीकर में नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड हो तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे जीरो होता है। एक और चीज कि नॉइस नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड को किसी वॉलेटाइल कंपाउंड में मैं मिक्स कर दूं तो वहां पे हमें प्रेशर मिलेगा, पर नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड की वजह से ना मिलके हमें वॉलेटाइल कंपाउंड की वजह से मिलता है, ठीक है। तो वॉलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, तो H2O C2H5OH CH3OH बेंजीन कल्यूइन, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब होते हैं नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड। जबकि नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे बुक NCERT में, ठीक है ना, हमारे जो हमारा न्यूमेरिकल्स होते हैं, हमारे उन न्यूमेरिकल्स में जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वही मैं बताने वाला हूँ। यूरिया, ठीक है, यूरिया एक बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ग्लूकोज, और लास्ट में हम देखेंगे सुक्रोज, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट हम बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यही तीन बताया है। वैसे तो बहुत सारे नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन की न्यूमेरिकल्स में बात करनी है, इसलिए हम इसके बारे में बताएंगे। इनका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये होते हैं C6H12O6, ये होते हैं C12H11O C12H22O11। हमें इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता, मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। ये होता है 60, ये होता है 180, और ये होता है 340, ठीक है। ये आप गिन भी सकते हैं, पर टाइम को सेव करना है तो हम इसको क्या करने वाले हैं, मेमोराइज करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इनको मेमोराइज जो है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए सब्सटेंस पे। सब्सटेंस हमें दो तरीके के मिलते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब इजीली भी इवोपोरेट होते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब इजीली इवोपोरेट नहीं होते। इजीली इवोपोरेट नहीं होते उसकी वजह से, मतलब कि ये तो इवोपोरेट ही नहीं होते, उसकी वजह से नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड की वजह से हमें प्रेशर कम मिलता ही नहीं है, ठीक है। कौन कौन से नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स है, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, ये सब क्या है, नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, उनकी फॉर्मूला मैंने बता दी, ठीक है ना। ये ग्लूकोज की फॉर्मूला, ये सुक्रोज की फॉर्मूला। अगर इनके मॉलिक्यूलर मास ढूंढने आपको नहीं आते तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो मोलर मास बाय आदित्य शिंदे, तो आपको मिल जाएगा कि कैसे इनका मोलिकुलर मास जो है वो आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद हमने बात की वॉलेटाइल कंपाउंड, मतलब जो इजीली इवोपोरेट होते हैं, ये इवोपोरेट होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करेगा,
जीरो नहीं होता। कौन कौन से कंपाउंड है, H2O C2H5OH CH3OH बेंजीन टोल्यूम, ये कुछ जो हम यूज़ करने वाले हैं वही मैंने बताए हैं, और इनके भी मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको पता तो मॉलिकुलर मास पता तो होने चाहिए। ये हम गिन सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने बता दिया था। चलो अब हम देखते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है राउल्ट्स लॉ का, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड एंड वॉलेटाइल कंपाउंड, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं, तो वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि सॉल्यूशन जो होता है दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम जो आज बात करने वाले हैं वो ऐसे सॉल्यूट लेंगे जो वॉलेटाइल होते हैं, और ऐसे सॉल्वेंट लेने वाले हैं जो वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन में हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्यूट हो गए और वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो गए। ये हमारा पॉइंट, ये जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट हो और वॉलेटाइल ही सॉल्वेंट हो, दूसरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब कि दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन उसमें हम सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल लेने वाले हैं और सॉल्वेंट जो है वो हम वॉलेटाइल लेने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम नॉन वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ही नॉन वॉलेटाइल में कर दूंगा तो वेपर ही अगर क्रिएट नहीं होगी तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पे कैसे मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो नॉन वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल हम नहीं ले सकते। दूसरा एक थर्ड पॉइंट है कि वेरी हाईली वॉलेटाइल और यहाँ पे होते हैं वॉलेटाइल। ये जो पॉइंट है हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, वेरी हाईली वॉलेटाइल जो कंपाउंड वो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं, और हमने गैसियस स्टेट, गैसियस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड का हमने ऑलरेडी एक लॉ देख लिया है, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, कहाँ पे, तो हेनरी लॉ में, ठीक है ना, हेनरी लॉ में। तो इस टाइप का जो केस आएगा, राउल्ट्स लॉ का जो ऐसा केस आएगा वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है ना। हेनरी लॉ का क्या हो जाता है, तो एक स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है। चल अब हम हमारे पॉइंट पे आते हैं कि वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत बार मैं बताने वाला हूँ, इसलिए सॉल्यूट को हम मान लेते हैं कंपोनेंट टू मान लेते हैं, और यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट होते हैं उसको मैं मान लूंगा कंपोनेंट वन में मान लूंगा। अब जब भी मैं कंपोनेंट टू बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट, वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात होगी, और कंपोनेंट वन बोलूंगा तो सॉल्वेंट की बात होने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वॉलेटाइल कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल की बात और होने वाली है, ठीक है। तो मान लो एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास क्या है, तो कंपोनेंट वन है, मतलब कि हमारे पास इसमें वॉलेटाइल
सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे सरफेस पे हो गए, ठीक है। ये सरफेस पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे जो वेपर क्रिएट होती है उसकी वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, उसको मैं मान लेता हूँ P01। P01 क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट वन की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, P01। मतलब P01 होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट वन, ठीक है। उसके बाद दूसरा विकल्प हमारे पास है, उस विकल्प में हमने दिया हुआ है कंपोनेंट टू लिया हुआ है, ठीक है। सरफेस के ऊपर भी कंपोनेंट टू है, ठीक है। क्या है इसमें, तो कंपोनेंट टू होते हैं, कंपोनेंट टू होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वेपर में क्रिएट हो जाते हैं। वेपर में क्रिएट होते हैं तो वेपर की वजह से कुछ प्रेशर सॉल्यूशन की सरफेस पे यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, उसको मैंने मान लिया P02। मैंने मान लिया ये जो P02 होता है वो क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट टू होता है। सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट टू की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको मैंने मान लिया P02 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही कंपोनेंट वन को और कंपोनेंट टू को मिक्स करके एक और सॉल्यूशन में बनाऊंगा, जिसके मैं जिसको मैं एक अलग से क्लोज कंटेनर में लेने वाला हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट वन भी है और कंपोनेंट टू भी है, ठीक है। कंपोनेंट वन एंड टू दोनों ही हमारे पास यहाँ, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, तो कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंपोनेंट वन ही थे सरफेस पे और यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट टू थे। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेशर जो मिला वो कंपोनेंट वन की वजह से मिला और कंपोनेंट टू की वजह से मिला। अब क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू दोनों आ जाते हैं, तो इस केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मतलब ये वीवो पॉइंट तो होंगे वॉलेटाइल है दोनों ही, ये दोनों क्या है, तो वॉलेटाइल है, ये भी वॉलेटाइल है, तो एस्केप तो हो गए, मतलब एस्केप मतलब वेपर तो बनेगी, वेपर तो यहाँ पे बनने ही वाली है, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ये जो सरफेस है, सॉल्यूशन की जो ये सरफेस है यहाँ पे P01 और P02 प्रेशर लगता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अब जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो चेंज हो गए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट वन थे, यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट टू थे, यहाँ पे कंपोनेंट वन आ गए और कंपोनेंट टू दोनों आ गए, तो कुछ मोल्स या कुछ मोल फ्रैक्शन जो होगा वो कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा और कंपोनेंट वन प्रेजेंट होगा और कुछ मोल कंपोनेंट टू प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट वन प्रेजेंट थे और यहाँ पे जो कंपोनेंट वन प्रेजेंट होते हैं वो कुछ कम होते हैं। इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट वन जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो कुछ कम होते हैं, तो उसकी वजह से वेपर जो क्रिएट होगी वो भी कम क्रिएट होगी, तो उसी वजह से यहाँ पे इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट वन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या होगा, कम क्रिएट होगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पे जो कम प्रेशर क्रिएट होता है उसके कंपेयर में यहाँ पे कंपोनेंट वन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कम होगा। तो यहाँ पे P01 ना बोल के P1 और P2 में बोलूँगा, P01 और P02 ना बोल के मैं सिर्फ और सिर्फ P1 और P2 बोलने वाला हूँ। अब मैंने क्या बताया कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम हो गए कंपोनेंट 1 और 2 के, तो उसकी वजह से वेपर कंपोनेंट 1 और 2 की कम बनने वाली है, तो उसकी वजह से वेपर की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो भी कम लगेगा। तो यहाँ पे जो ये P1 होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है P01 से, और जो P2 होता है वो भी लेस देन होगा P02 से, ठीक है, वो भी क्या होगा P02 से।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो ये P1 होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपोनेंट 1 के, मतलब कि कितने मोल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, या मतलब कि कितने मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। तो जो ये P1 होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन। उसी तरीके से P2 जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 पे डिपेंड करता है। तो ये किसने बताया, ये बताया राउल्स, ठीक है, ये बताया राउल्स ने। इसकी वजह से राउल्स लॉ पढ़ा, जिसमें राउल्स लॉ में ये बताया गया कि इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक बार देख लेना, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये क्या है हमारा, राउल्स लॉ है। ये क्या होता है हमारा, राउल्स लॉ। मतलब कि यहाँ पे P1 कितना क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा कि इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना होता है कंपोनेंट 1 का और कंपोनेंट 2 का, ठीक है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट होगा सरफेस पे, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्रेशर सरफेस पे कंपोनेंट 1 की वजह से प्रेशर कितना लगेगा और कंपोनेंट 2 की वजह से प्रेशर कितना लगेगा। ये कौन डिसाइड करेगा, तो सरफेस पे कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन कितने हैं वो कौन डिसाइड करेगा, तो सॉरी प्रेशर कौन डिसाइड करेगा, इस कंटेनर में सरफेस पे जो प्रेशर लगता है कंपोनेंट और कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की वजह से वो डिसाइड करेंगे कि मोल फ्रैक्शन कितने हैं सरफेस पे कंपोनेंट 1 के और कंपोनेंट 2 के, ठीक है। चल तो ये आपको पता लग गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए थोड़ी बहुत लिखने के लिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल हो गया, चल पहले ही मैंने बताया था प्रेशर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी वजह से लगता है, प्रेशर किसकी वजह से लगता है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी वजह से लगता है। तो हमें ये पता चल गया P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। तो इस केस में प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा तो K = X1 आ जाएगा, ठीक है, K = ζ1, X1 मतलब ζ1 आ जाता है। अब आप अज्यूम कर लो, assume that you have only component 1 in solution में सिर्फ बीकर में जो solution है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास component 1 present है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे pressure लगता है वो क्या होता है, P not 1 लगता है, ठीक है। एक और चीज, जो जीटा ए और जीटा बी, मतलब जीटा 1 और जीटा 2 जो होता है वो इक्वल 1 के बराबर होता है, मतलब कि कंपोनेंट 1 और 2 का क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मैं सम लूंगा तो वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 है तो यहाँ पे जीटा 2 जो है वो 0 हो जाता है और जीटा 1 जो होता है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि जीटा 2 0 होने की वजह से अल्टीमेटली जीटा 1 जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो इसको जब जीटा 1 आया उसको मैं अगर यहाँ पर रखूंगा तो P1 = आ जाएगा K, ठीक है, P1
वन इज इक्वल टू आ जाएगा के, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट वन प्रेजेंट होता है वहां पे प्रेशर क्या होता है, पी नॉट वन होता है, वहां पे प्रेशर क्या होता है तो पी नॉट वन हो जाएगा। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू आ जाएगा पी वन नॉट, पी नॉट वन आ जाएगा, पी वन नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। यहाँ पे ये के की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे मिलेगा पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन जीटा वन, पी नॉट वन जीटा वन हमें मिलता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे जो पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन जीटा वन मिला, उसी तरीके से पी टू जो मिलेगा पी नॉट टू जीटा टू ये हमें मिल जाता है। तो अब जो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की थी, यहाँ पे ऐसी कुछ डायग्राम हमने ड्रॉ की थी, वन टू वन टू वन टू, उसकी वजह से यहाँ पे पी वन लगता था प्रेशर और यहाँ पे पी टू लगता था, मोल फ्रैक्शन डिसाइड करेंगे कितना प्रेशर लगेगा, जो पी वन है वो यहाँ पे जो ये मैंने दिखाया है वो उतना प्रेशर लगाएगा, और पी टू जो है जो यहाँ पे पी नॉट टू एक्स टू जितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये हमने हमें बताया था राउल्स ने हमें ये बताया था। उसके बाद 11 स्टैंडर्ड में डाल्टन लॉ आप पढ़ के आए हुए हो, डाल्टन लॉ में क्या बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर होता है, उस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू यहाँ पे है, उस कंपोनेंट वन के पार्शियल जो प्रेशर होते हैं, उस कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं उनके सम के बराबर होता है टोटल प्रेशर। मतलब कि इस सॉल्यूशन का मुझे अगर टोटल प्रेशर निकालना है और अगर इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट और कंपोनेंट टू प्रेजेंट होता है तो कंपोनेंट वन की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है और कंपोनेंट टू की वजह से जो वेपर प्रेशर लगता है उसका अगर मैं सम करता हूं तो मुझे पी टोटल, मतलब कि सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर कितना लगेगा वो मिल जाएगा। पी वन से लगता है कंपोनेंट वन की वजह से जो प्रेशर लगता है वो पी वन है और यहाँ पे पी टू है, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू आ जाता है। पी वन क्या होता है तो पी नॉट वन जीटा वन प्लस पी नॉट टू जीटा टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर ढूंढने के लिए एक इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन आपको याद कर लेना है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करने वाले हो, न्यूमेरिकल्स करने वाले हो, आप क्या करोगे तो न्यूमेरिकल्स करने वाले हो। एक और चीज़ हमें पता है कि जीटा वन और जीटा वन, यहाँ पे जो मैंने बताया था जीटा वन प्लस जीटा टू होते हैं वो वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जीटा वन लिखना है तो वन माइनस जीटा टू लिख सकता हूँ, ये जो वैल्यू आई उसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट वन वन माइनस जीटा टू प्लस पी नॉट टू जीटा टू आ जाएगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाता है पी नॉट वन माइनस पी नॉट वन जीटा टू प्लस पी नॉट टू जीटा टू, ये दिख रहा है क्या आपको, चलो दिख रहा है। तो यहाँ पे पी वन पी नॉट वन माइनस जीटा टू, मतलब यहाँ पे पी टू माइनस पी नॉट वन टू जीटा टू, तो ये आपका प्रेशर आ जाता है, ठीक है। जब से किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको दिया होगा तो ये इक्वेशन का आप यूज करोगे और न्यूमेरिकल जो है वो आप करने वाले हो, न्यूमेरिकल जो है वो आप करने वाले हो। ये दो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इक्वेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद दो पॉइंट्स और हमारे बाकी हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो यहाँ पे ये जो है जीटा वन है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन इन सॉल्यूशन, और यहाँ पे ये जो जीटा टू है वो क्या है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू इन सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन में
यहाँ पे जो ये डायग्राम था, ये जो सॉल्यूशन था, उसमें मोल कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू के मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे जीटा वन और जीटा टू में हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि जब हमें ये पूछा जाए कि आपको ढूंढना है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है कंपोनेंट वन और टू के, कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि वेपर फेज में कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू के मोल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये अगर बीकर है, ठीक है हमारा, तो बीकर में हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू वन टू, तो इसके मोल फ्रैक्शन को तो हमने बता दिया कि जीटा वन और इसके बोल दिया जीटा टू, पर वो क्या थे, ये दोनों क्या इसमें थे, तो सॉल्यूशन में थे। पर अभी हमें क्या पूछा कि यहाँ पे जो ये वेपर फेज है, ये जो वेपर फेज है, उस वेपर फेज में कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू इन दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या है, ऐसा हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कंपोनेंट वन का वेपर फेज में वाई वन जो है वो क्या है, वेपर फेज में मोल, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट वन, और जीटा टू जो है वो क्या है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू। ठीक है, जीटा वाई वन और वाई टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट वन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट टू होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट टू होता है। ठीक है, चलो तो हमें ये अगर ढूंढने हैं तो हमारे पास डाल्टन्स लॉ, हमारे पास इलेवंथ में डाल्टन ने बताया था किसी भी कंपाउंड का अगर आपको प्रेशर ढूंढना है, मतलब कि हमें कंपोनेंट वन का प्रेशर ढूंढना है, तो उसके फ्रैक्शन, ठीक है, उसके फ्रैक्शन को उसके टोटल प्रेशर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, मतलब कि अगर मुझे कंपोनेंट वन का प्रेशर ढूंढना है वेपर फेज में, तो वेपर फेज में कंपोनेंट वन के मोल फ्रैक्शन कितने हैं उसको यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे इस बीकर में टोटल टोटल प्रेशर कितना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और उसी तरीके से अगर पी टू ढूंढना है तो वाई टू इज इक्वल टू पी टोटल हो जाता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको पता होने चाहिए, इन दोनों इक्वेशन से आप पता लगा सकते हो कि इस वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट वन कितने हैं और कंपोनेंट टू कितने हैं। ये कहां से आया, तो ये हमें 11 स्टैंडर्ड में डायरेक्टर ने बताया था कि किसी भी कंपोनेंट का हमें अगर प्रेशर ढूंढना है तो उसको उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को उस सॉल्यूशन में, मतलब इस कंटेनर में जो भी टोटल प्रेशर होता है उसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ क्या कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अब जो है वो हम मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रख करने वाला हूँ। चलो लास्ट पॉइंट है, खत्म हो जाएगा अभी, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्या, तो वेपर प्रेशर के लिए हम क्या ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो मान लो कि यहाँ पे एक्स वन जीरो होगा, तो x1 जीटा 1 प्लस जीटा 2 इज इक्वल टू 1 होने की वजह से ये 0 हो जाता है, तो जीटा 2 इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो यहाँ पे जीटा 2 1 है, और यहाँ पे जीटा 2 जो होता है वो 0 होता है, इसकी वजह से जीटा 1 क्या हो जाता है, तो 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जीटा 1 0 है। अब मैं क्या करूँगा, स्लोली इसमें कंपोनेंट 1 ऐड करता जाऊँगा और यहाँ पे आगे वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें जीटा 1 ही मिलेंगे, जबकि यहाँ पे जीटा 2 थे, मतलब कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन थे सॉल्यूशन में, वो स्लोली स्लोली कम होते जाएंगे और लास्ट में 0 हो जाते हैं। तो अगर जीटा 1 को हमारे पास जो इक्वेशन था P1 = P0 1 जीटा 1 और P2 = P0 2 = जीटा 2, यहाँ पे जीटा 2 को अगर मैं
थीटा टू की वैल्यू यहाँ पे वन रखूंगा तो यहाँ पे जो मुझे प्रेशर मिलेगा पी नॉट टू वो पी टू जो मिलेगा वो पी नॉट टू के बराबर होगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो पी नॉट टू है यहाँ पे थीटा टू की वजह से जो प्रेशर होता है वो कितना होता है तो पी नॉट टू होता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है तो एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू वन रखूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रेशर मिलेगा पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन। तो ये हमें मिल गया पी नॉट वन। ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है जीटा वन अभी यहाँ पे क्या है जीरो है ना, जीटा वन अभी यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे पी वन कितना होगा वो भी जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे पी वन जीरो है। उसी तरीके से यहाँ पे जीटा टू जीरो है तो यहाँ पे पी टू कितना हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होने की वजह से क्या होता है स्ट्रेट लाइन में हमें ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता है। ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ हमें मिला है कौन सा है ये एक्स वन वाला। ठीक है ये एक्स वन वाला जो मिला है हमें मतलब कि पी वन यहाँ पे है ना तो ये पी वन ये यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? चल ठीक है दिख रहा है पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स वन की वजह से ग्राफ है और ये जो है पी टू इज इक्वल टू पी नॉट टू एक्स टू की वजह से ये हमारी जो ये लाइन है वो पी टू इज इक्वल टू पी नॉट टू और एक्स टू की वजह से और ये जो लाइन है वो पी वन इज इक्वल टू रुको एक बार देख लेता हूँ मैं दिख रहा है क्या आपको? चल ठीक है चल रहा है तो ये क्या है पी टू इज इक्वल टू पी नॉट टू और एक्स टू की वजह से। ठीक है और ये पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन एक्स वन की वजह से और जो ये यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वो पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू की वजह से मिलता है। पी वन प्लस पी टू की वजह से हमें ये ग्राफ जो है वो मिलता है। ठीक है ये ग्राफ आपको पूछा नहीं जाएगा फिर भी कभी कभी एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना थियोरिकल बेस पे तो ये नहीं आएगा। ठीक है तो यहाँ पे आपका राउल्ट्स लॉ उसमें भी वॉलेटाइल राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपाउंड ओनली वॉलेटाइल कंपाउंड पूरा डिटेल में खत्म हो गया है और कल जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड और वॉलेटाइल कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे और दोनों ही इक्वेशन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है तो अच्छे से पढ़ो ठीक है कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट करके बताओ या पर्सनली मुझे बताओ। लाइक एंड शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स गिव कमेंट्स also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde thank you for watching.